तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी ने अपना मंदिर लगवा लिया है। मम्मी को खड़े होकर भगवान नहलाना अच्छा लगता है, तो यहाँ हमारा ये मंदिर वाला रूम तैयार हो रहा है। अब इसमें मम्मी करने वाली है भगवान शिफ्ट, और ये देखिए मम्मी लेकर आ रही है। मम्मी ये मूर्ति आ जाएगी ना मंदिर के अंदर? देखिए ना, रखा के देखते हैं, वैसे तो आनी चाहिए, आनी चाहिए। वैसे ये मूर्ति काफी पुरानी मूर्ति है, पता बहुत टाइम से मैं देखने आई है। अरे वाह, आ गई। कौन सी आई है? देखिए, तो अब मम्मी इस मंदिर को बढ़िया से भरने वाली है। पर मम्मी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। चलो अभी फिलहाल ठीक है, फिर बाद में चेंज कर लेंगे ना, बाद में चेंज कर लेंगे। अभी मम्मी की जुगाड़ चल रही है, और अभी बहुत सारे काम है, बहुत सारे मकान में फैल। हाँ, भगवान गाइस यहाँ पे रखे रहते थे, तो अब इसको मम्मी ले जा रही है पूरा उठा के उस कमरे में ले जाओ। मम्मी लाइट नहीं आ रही है, इसलिए पूरे घर में अंधेरा छा रहा है बहुत जोर से। ये देखिए कितना सारा फैलारा डला हुआ है हमारे घर में। ले जाओ। मम्मी की आ रही है सामान, देखते इतने भगवान आएंगे कि नहीं। चलो मम्मी जमाने के बाद बताते हैं हम आपको, ठीक है? दोस्तों आज हम एक फ्रेंडशिप की वीडियो बनाने वाले हैं। ये जेलर का खाना है, ये देख सकते हैं, ग्रीन चिली, ऑनियन एंड हियर इज चपाती। सो गाइस वी आर गोइंग ऑन आवर बेसमेंट, जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं रोल लेने के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग। और आप गोविंद बन के खड़ी है कि स्टैंडर बन के खड़ी है? मैं तो स्टैंडर ही हूँ। गोविंद जाओ तुम भी हमारे साथ चलो। गरीब कहाँ पर गए? गरीब जी खड़े हैं जी। आज नए कैरेक्टर आए। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राजकुमार बरार है। राजकुमार बरार। और आप किसका रोल करने वाले हो? जेलर। गरीब भिखारी का? नहीं, जेलर का। जेलर का, अच्छा। जेलर का कैदी, और क्या कैदी का ये रोल करने वाले हैं। कैसी एक्टिंग करते हैं। और सारे बच्चे पढ़े हैं, शूटिंग के लिए जा रहे हैं। सारे बच्चे पढ़े हैं। हाँ तो कुछ भी कह लो, शूटिंग के लिए जा रहे हैं सारे बच्चे। और आज हमारे घर का सारा सामान टेस्ट पड़ा है। और ये फर्नीचर वाले भैया भी आए आज इतना दिनों बाद। घर में एक भी गेट नहीं लगा था, एक भी खिड़की नहीं लगी थी, और आज आए हैं। तो आज ये फर्नीचर वाले भैया काम कर रहे हैं। और घर में देखो कितनी बुरी हालत पड़ी है सारे घर के सामान की। और ये हैं, ये दीवार में फिटिंग कर रहे हैं। यूट्यूब की प्लेट्स, वंदना, सोनम की, सब कुछ घर में सामान इतना टेस्ट पड़ा है बहुत ज़्यादा ही। और इधर ये भैया लग रहे हैं, ये भी फर्नीचर वाले भैया जो भी खिड़की लगाने आए हैं। और घर में सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा। इसमें भी ऐसे ही पड़ा है, एकदम फैला कचरा सा बहुत ज़्यादा। और ये मंदिर तो बता ही दिया कैसा लगाया है आपको, पहले से पता। कहाँ पे चप्पल का खूब काम चल रहा है, चप्पल पहन लो। तो ये हमारा मंदिर तैयार है, आपको पता है। ये हमारा मंदिर सज गया है। ये ऊपर तस्वीर सोनम की गिफ्ट में आई थी, ये वाली दोनों तस्वीरें, तो हमने इसको ऊपर लगा दी, हटा भी नहीं सकते, बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये हमारा मंदिर सज गया है। ये मंदिर है, इसमें सारे भगवान सजा दिए गए हैं। हेलो दोस्तों, ये देखो मैं तवाओं का गड्ढा करने जा रहे हैं, करवा रही हूँ उनसे ये भैया। अरे मैं बात कर रही हूँ, मैं देखो ये नया काम करने जा रहे हैं ये भैया। मैं इस तवे में चेक करवा रही हूँ ताकि गैस पर रोटी अच्छे से बन सकें। नया टॉप ले जी है जी, नया तरीका है। यही तो मोबाइल हमने देख लिया सब कुछ, तीन हो गए ना, तीन हो गए गड्ढा, और इसमें भी तीन हो गए। जामे भी कार आ रहा है अब ऐसे में, वो तो सब अच्छे देखते हैं। तीन गड्ढा हो गए। अब इसमें आसानी से इसमें तार बांध के और गैस पर रोटी आसानी से बन जाएंगी, इसलिए मैं गैस पर ही बनाती हूँ। इसकी रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इन्होंने ये कर दिए बहुत अच्छा लगने लगा। और ये पर इतना ही बोलना आता है, आराम से आ जाता है। ज़्यादा एक्सपर्ट है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, कुछ ही बना लो वो तो मोबाइल में सब आ जाते हैं। और ये फर्नीचर का सामान भी कितना सारा फैला हुआ है। फिर भी लग रहा है आज कम से कम एक महीना से ये कर लगा रहा है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। इन्हें परेशान करके रख दिया है घर में, इतना सारा पानी। घर में इतना सारा पानी भर जाता था कि पहुँच पहुँच कर ही साफ हो जाते, इतने परेशान हो जाते थे। इतनी गुस्सा आता था कि इनको कह दें और सुना दें। बहुत दिक्कत आती, पर बड़ी मुश्किल से आज काम करने आए हैं और एक दो दिन में अपना काम कंप्लीट कर देंगे। और मैं जा रही हूँ घर के अंदर। और ये भैया आए थे तो आज ये लगा दिए, कम से कम 2-3 महीने से ये रखे हुए थे गैलरी में, आज इन्होंने ये लगा दिया। ये काम पूरा कर दिया तो बहुत अच्छा लगने लगा सामने से देखने में। और इधर ये बैठे हैं मरीज, काम तो कुछ करते नहीं। एक हाथ में देख लो पहले से ही पट्टा लगा रखा है, ये एक हाथ यहाँ से और फिर एक हाथ यहाँ से भी, और अब दूसरे हाथ में ये पट्टी लगा ली। ये इसके काम है बस, और कुछ भी नहीं है। और मोबाइल चलाना और बस बैठना, मस्ती करना। और ये एडिटिंग कर रहे हैं, यानी कि क्या देखी तब हम गड्ढा करवा लाई, आओ बढ़िया रही। मैंने तो बस अकेले जे लगवाया, जे रखा था ये बंद बनाने लगवा लिया है, सांच अच्छा रहता है। ये मेरी फेवरेट है। दीदी कह रही मेरे रूम में मैंने हमारे रूम में भी लगा दो, कोई कुछ ना कुछ। हमारा रूम खाली है, लगा दो। हम गरीब हैं बहुत, क्या कर रहे हैं। जितने लगा रहा कोई मम्मी जी के रूम में लगवा रहे, लगवा रहे जी। अरे यार कुछ तो लगा दो, हमारा एकदम खाली खाली रूम है। और यार और मैंने भी अपने रूम में लगा ली है, कुछ ना कुछ तो मैं बताती हूँ मैं। और ये मैंने मेरे रूम में लगवा लिए हैं ये वाले, ये लगवा ली मैंने तैयार होने की, ये लगवा लिया मैंने तैयार होने की। और ये लगवा लिया मैंने और क्या दोस्तों अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर रख लिया तैयारी का सामान और यहाँ पर लगा लिया मैंने कांच अपने लिए, बस अपने जैसा लगा लिया मैंने। सब कुछ रखा हो जाएगा मेरे हिसाब से, मैंने जो अच्छा लगा वो किया। अब ये रूम खाली खाली हो गया। यहाँ पर पहले कूलर रखा था तो हटा दिया मैंने, कूलर उस रूम में रख दिया है। और फाइनली इसलिए घर की सारी सफाई, और सुबह की बज गई है 8 और सारे घरों में झाड़ू पोंछा लग गया है। देखो ये इसमें अंधेरा हो गया, अब तो ये कांच लग गया ना तो सारे घर में अंधेरा होना लगा है, अंधेरा से होने लगा। ये देख लो सारे घर में अंधेरा सा छा गया है एकदम। और ये सोनम की भाभी ने सारे घर की साफ सफाई कर ली। इधर उनके रूम की भी सारी साफ सफाई हो गई। और इधर ये पानी भरने लग रहे हैं, पीने का हेल्प कर रहे हैं अपनी वाइफ की। इधर वो चला करके हेल्प कर रहे हैं। और चाय के बर्तन मांज लिए, इधर चाय के सारे बर्तन मांज चुके हैं। और इधर की भी सारी साफ सफाई हो गई है, झाड़ू पोंछा। और वो इधर ये बैठे हैं न्यूज़ देख रहे हैं, इनको न्यूज़ बहुत अच्छी लगती है। न्यूज़ कितनी पसंद है तुमको? न्यूज़ तो पसंद है, दुनिया की खबरें सुन लो, घर बैठे पूरी जानकारी ले लो। अच्छा, न्यूज़ में बहुत अंतर आता है। अच्छा रहता है, समझो दुनिया की पूरी खबरें लो। सही बात, जानकारी रखो। और क्या, और ये घर की सारी साफ सफाई हो चुकी है। और अब जा रहे हैं हम नहाने के लिए। और आज मैं छत पे ऊपर गेहूँ डाल कर आई थी तो इतने में बदल हो गए, इतनी तेज़ बदल हो गए कहीं पानी ना आ जाए। और छत पे गेहूँ सूख रहे हैं। हेलो दोस्तों, अब बज गए हैं सुबह के 9:30 और अब मैं जा रही हूँ भगवान नहवाने के लिए। और मैं आ चुकी हूँ भगवान नहवाने के लिए और मैंने गंगा सागर मांग के भर लिया है। बरसात में देखो गंगा सागर कितना गंदा हो जाता है, काला काला पड़ जाता है। और अब मैं जाती हूँ भगवान नहवाने के लिए और आज देखते हैं खाने में क्या बनाने जा रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। और इधर आलसी राम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं तो पानी पी रहे हैं। इतने लेट उठते हैं, 9:30 बजे। अब चाय कहाँ पर रखी होगी, ये पानी पी पी कर जी रहे हैं, इनको चाय भी नसीब नहीं है इस मानुष को। और बताते हैं खाने में क्या बनाने जा रहे हैं। खाने में क्या बन रहा है? दाल चावल। दाल चावल कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। और दाल खाई की आएगी? दाल, ये दाल है, ये मिक्स दाल है, ये मिक्स दाल। ये मिक्स दाल कैसी लगती है दोस्तों, आपको बताना कमेंट में। हमको मिक्स दाल अच्छी लगती है। और आज खाने में बनाने जा रहे हैं हम दाल और चावल।